मधेपुरा में इन दिनों एक बार फिर अपराधियों का कहर सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधेपुरा सुपौल पथ पर भैरवपुर के निकट का है, जहां दिन दहाड़े तीन बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट के दौरान असफल होने पर एक मछली व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। संयोग से गोली व्यवसायी के घुटने में लगी, फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। घटना के संबंध में बताया गया कि गम्हरिया प्रखंड के बल ही जीवजपुर वार्ड नंबर 10 निवासी मछली व्यवसायी नारद मुखिया मछली खरीदने बाइक से सिंहेश्वर आ रहे थे। भैरवपुर के निकट बाइक सवार तीन अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक कर उनकी बाइक को रोककर उनसे रुपए की डिमांड की, जिस पर मछली व्यवसायी के विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली मछली व्यवसायी के घुटने में जाकर लगी, जिसके बाद अपराधी गम्हरिया की ओर भाग गए। इस बाबत नारद मुखिया ने बताया कि उसके पास मछली खरीदने के लिए 8,000 नगद राशि था, जो अपराधी लेने में असफल रहे। मौके पर पहुंची सिंहेश्वर पुलिस ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए JNKT मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। सर जी मछली लावे रहे सिंहेश्वर, अभी क्रम पैसा छीन के क्रम में सर गोली मार रही उधर तो कुने रे हमारे पछाण पछिम रही लग तब तक घूमे के टेम्पू बुला रहे उधर लेके तो फोन करके काम आ रहा है। क्या नाम है? सुरेंद्र। घर? भले जी बच्चे सिंहेश्वर जा रहे थे बलही जीवजपुर से, उनका घर हुआ बलही जीवजपुर, मछली खरीद और दरियाही पुल से पश्चिम बाइक से तीन आदमी इनको रोका इनका जेब सर्च किया गया पैसा का तलाशी, पैसा नहीं मिलने के कारण इसको गोली चला दिया। इसमें वो जख्मी हो गया? हाँ उसमें जख्मी हो गया। क्या नाम हुआ? नारद कुमार। आपका क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। घर? मेरा घर भवानीपुर हुआ।